प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ शास्त्रों में जो श्री काली मूर्ति का वर्णन आता है वह क्या ठीक है? माँ, एक बात में अनंत बातें आती हैं, श्री काली के भी अनंत रूप होते हैं, यह बिल्कुल सत्य बात है। प्रश्न करता, माँ ढाका में जब आप घोड़ा गाड़ी में बैठकर जा रही थी तब आपको श्री काली माँ का दर्शन हुआ था, उसके बारे में कुछ कहिए। माँ, बात ऐसी है कि अभी यह शरीर जिस भाव में बात करता है उस भाव में उस समय शरीर से बातें होती नहीं थी। यह शरीर जब गाड़ी में बैठकर जा रहा था तब काली माँ के शून्य में दर्शन हो रहे थे। वह मूर्ति प्रायः 18 हाथ ऊपर में थी। वह काली मूर्ति इस शरीर की गोद में आना चाहती थी। उस समय सर्वदा इस शरीर का वैसा भाव रहता था। कभी भोजन करने बैठते समय भोलानाथ के सामने भी शरीर गिर जाता, शाक काटते काटते भी वैसा भाव आ जाता, शरीर बेवश हो जाता था। कैसा सुंदर था, कौन किसको बचाता है, अपने वश में बात ना थी। कभी शाक काटते काटते अंगुली भी कट सकती थी। प्रश्न करता, माँ उस समय आपको कौन बचाता था? माँ, यह कौन कह रहा है? जैसा कहा जाता है कि शरीर रूप में कौन है, एक दृष्टि से तो शरीर रूप में वही भगवान ही है, वही बचाता है। जो बच जाता है वह भी भगवान है, जो बचाने वाला है वह भी भगवान है। हाथ, चाकू, सब्जी सब भगवान के ही रूप हैं। यह सब बातें साधारण दृष्टि से कही हैं। उस समय में इस शरीर के लिए अग्नि, कुआं, पानी सब एक ही रूप था। सब लोगों को हर समय यह डर रहता था कि कब इस शरीर का क्या हो जाए। उस अवस्था में ऐसा भी हो सकता था इस शरीर ने चलना शुरू किया और बीच में कुआं आ गया तो शायद उस कुएं के ऊपर से चल दे। इसलिए कोई कोई इस शरीर को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देता था। किसी किसी को ताला बंद करने के बाद भी विश्वास नहीं था कि पता नहीं कैसे यह शरीर बाहर निकल जाएगा। ऐसा हुआ भी, देखा गया कि बाहर ताला बंद है और यह शरीर बाहर निकल गया। भोलानाथ जी के पूर्व पुरुषों से काली पूजा की विधि चली आ रही है। एक बार काली पूजा के संबंध में बात निकली, भोलानाथ जी ने कहा तुम पूजा करो। बहुत आलोचना करने के बाद काली पूजा करने का तय हुआ, लेकिन उस समय नई काली मूर्ति बनाने का समय नहीं था। मूर्ति यदि बनानी है तो फिर कौन माप से बनाई जाए? स्वामी अखंडानंद जी श्री गुरुप्रिया दीदी के पिता के घर में यह शरीर जब भोजन करने बैठा था तब इस शरीर का हाथ अपने आप ऊपर उठा था। उस समय इस शरीर का हाथ वैसा ऊपर उठाकर उसका माप लिया। भोलानाथ जी ने उसी माप की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक कुम्हार के यहाँ ठीक इसी नाप की एक मूर्ति तैयार रखी थी। उसने किसी के ऑर्डर से 22 काली मूर्तियां बनाई थी, लेकिन यह काली मूर्ति उन्होंने अपने अंतःकरण की प्रेरणा से बनाई थी। माप भी बराबर था, मूर्ति का रंग भी ज्यादा काला नहीं था। इस शरीर ने काली माँ का जैसा रंग देखा था ठीक वैसा ही रंग था। इस काली मूर्ति का दर्शन बहुत विशिष्ट था। यह काली मूर्ति सिर्फ दर्शन देकर ही शांत नहीं रही, फिर से काली मूर्ति के रूप में सामने आ गई। बहुत सुंदर रूप से काली माँ की पूजा हो गई। जब मूर्ति विसर्जन का समय आया तब किसी ने कहा इतनी सुंदर काली मूर्ति जी का विसर्जन करने की इच्छा नहीं हो रही है। विसर्जन नहीं किया गया। इसके बाद बहुत वर्षों तक इस काली मूर्ति की पूजा हुई थी। प्रश्न करता, माँ मूर्ति उन्होंने बनाई कि तुमने बनाई? माँ, वही खुद मूर्ति रूप में बनी। प्रश्न करता, माँ काली जी का क्या दूसरा भी कोई रंग होता है? माँ, हाँ भिन्न भिन्न रंग की मूर्तियां भी होती हैं। यह काली माँ की मूर्ति सिर्फ एक जगह में नहीं रही है, बहुत जगह में उनकी बदली हुई है। दूसरी जगह लेते समय हर समय भय रहता था शायद मूर्ति हाथ में से गिर जाने से सर्वनाश हो जाएगा। बहुत वर्षों तक यह मूर्ति इस भाव में रही।
कितनी बार इस मूर्ति की अदल बदल हुई है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। साक्षात भगवती ही मूर्ति रूप में बनती हैं और भगवती ही अपनी पूजा करती हैं। प्रश्नकर्ता, माँ मनुष्य और देवलोक के सिवाय और भी कोई लोक है? माँ अनंत लोक है। प्रश्नकर्ता, मनुष्य क्या देवलोक का दर्शन कर सकता है? माँ जो महामानव है वह देख सकता है। मन में सच्ची हूंश इच्छा हो तो देवलोक का दर्शन हो सकता है। मन की हूंश होने के बाद मन स्थिर रहेगा कि नहीं वह बात छोड़ दो। यह शरीर तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ऊट पटांग बात करता है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।